नीम एक बहुत ही गुणकारी प्राकृतिक औषधि है। नीम की गुठलियों द्वारा जो निम्बोरी होती है उससे नीम का तेल निकाला जाता है, जो हल्के भूरे रंग का होता है और जो सल्फर जैसी गंध वाला होता है। फिर इसी के प्रयोग करके साबुन शैम्पू बनाया जाता है। नीम के तेल के बहुत सारे फायदे हैं। नीम के तेल के इतने अनगिनत फायदे हैं कि मैं आपको बताऊंगी तो आप इसका इस्तेमाल करना जरूर चालू करेंगे। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पर ही नीम का तेल कैसे बना सकते हैं। नीम के तेल को अगर आप चाहें तो अगर आपके बहुत जिसको भी स्किन डिजीज है, सबसे पहली बात जैसे कि मुहासे बहुत रहते हैं, तो उस पर नीम का तेल लगा सकते हैं, क्योंकि नीम के अंदर बहुत ही सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज विद्यमान है। तो कील मुहासों पर नीम का तेल लगाना बहुत अच्छा है। दूसरा है कि जिनको भी स्किन की गंदी से गंदी कोई भी बीमारी है, यहाँ तक जिनको एक्जिमा है, दाद है, सोराइसिस है, हर्पीज है, जिनको जो भी गंदी से गंदी स्किन की डिजीज है, उसके लिए भी नीम का तेल सबसे ज़्यादा गुणकारी है। जितनी भी औषधियाँ बनती है, क्रीम बनती है, ये एक्जिमा के लिए, सोराइसिस के लिए, सब में नीम का तेल का इस्तेमाल होता ही होता है। तो आप चाहे तो नीम का तेल डायरेक्टली लगा सकते हैं, आप घर में बना सकते हैं, वरना बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां भी हैं, जो अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी हो आप उसके नीम का तेल लगा सकते हैं। अगर किसी को मलेरिया का ज्वर आ रहा है, मलेरिया बुखार हो गया है, तो उसमें नीम के तेल में सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल मिलाकर मालिश मालिश की जा सकती है, ये भी बहुत फायदेमंद है। फिर नीम का जो तेल है इसको हम अपने बालों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए कंडीशनर कर सकते हैं। जिनके बालों में जुए पड़ गई हैं तो नीम के तेल की अच्छे से मालिश कीजिए, जुए जल्दी से मर जाती हैं। जिनके बहुत घुंघराले बाल हैं, बहुत कर्ली हेयर हैं, तो नीम का तेल उनको प्राकृतिक रूप से सीधा करता है। और जिनको रूसी है, डैंड्रफ है, क्योंकि डैंड्रफ है या फिर बालों की सोराइसिस है, तो उनके लिए भी नीम के तेल की मालिश बताई गई है। बहुत अच्छा है नीम के तेल तेल की मालिश करना। फिर नीम का तेल है जो हमको प्राकृतिक रूप से मच्छरों से बचाता है। तो अगर हम नीम के तेल को मालिश कर लेते हैं अपने शरीर पर और लगभग 8 घंटे तक के लिए, हमें मच्छरों से प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप उसके अंदर कपूर मिला लेते हैं तो और भी अच्छा है। अगर आपने नीम के तेल में कपूर मिला लिया, तो कपूर मिलाकर पीस कर आपने लगाया, तो और भी बहुत अच्छा है। आप नीम के तेल का दिया जला लीजिए अपने जहाँ आप सो रहे हैं उसके पास में, तो आप मच्छरों से बच जाएंगे। नीम के तेल के बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, आप इस्तेमाल कीजिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे नीम का तेल हम घर पे बना सकते हैं। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।